So we landed in Philippines for the premiere of Extraction 2 movie. Extraction 1 जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि कितनी action packed movie थी Chris Hemsworth की. हम पहुंच गए फिलीपींस के सबसे बड़े मॉल एशिया मॉल में और बोलते हैं एक टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा मॉल था. मॉल में एक्सक्लूसिवली ग्राउंड फ्लोर पे एक जगह बुक की हुई थी पूरे प्रीमियर के लिए. सबसे पहले हुई रेड कारपेट, सब लोग रेड कारपेट होते हुए एक एरिया पे इकट्ठे हो गए जहाँ पे क्रिस और सैम जो कि मूवी के डायरेक्टर हैं और ये मूवी एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम होगी नेटफ्लिक्स पे. इस मूवी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था एक्सट्रैक्शन वन का भी वो था वनर. वनर होता है कि आप एक ही कैमरा से कंटिन्यूस शॉट लेते हैं विदाउट एनी ब्रेक और एक्सट्रैक्शन टू में वो वनर शॉट 21 मिनट तक का है. एक्सट्रैक्शन वन में वो था 12 मिनट का. An hour. I was on top of the train, there was a helicopter in front of me flying backwards and all sorts of action sequences and car chases and so on. It was the most elaborate stunt sequence and fight choreography that I'd ever been handed and asked to learn. And भाई इवेंट के बाद हम लोग गए स्पेशल स्क्रीनिंग देखने एक्सट्रैक्शन 2 की और मां कसम क्या एक्शन सीन थे. तीन इसमें तगड़े एक्शन सीन्स थे और भाई बहुत ही गजब. अगर आपको एक्शन मूवी पसंद है दिस इज अ मस्ट वॉच. भाई यहां पे हुआ था प्रोग्राम अपना शाम वाला, अब देखो पूरा निकल रहा है. जस्ट मूवी देखी है. इवेंट के बाद सीधा आ गए अपने होटल क्योंकि सब लोग थक बहुत गए थे. बट सोचा कि थोड़ा सा होटल एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी थी और अंदर ही वो प्रॉपर्टी के कैसीनो भी था. भाई हम लोग बार में जाना चाहते थे, बार तो बंद है यहाँ का, लेकिन मस्त देख रहे हैं. बैक टू माय रूम, अभी करते हैं एक मीटिंग. यहाँ पे बज रहे हैं 12:05, इंडिया में बज रहे होंगे 9:30 के आसपास. यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया आज और कल भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो दोनों दिन कंबाइन करके एक ही ब्लॉग बना देंगे. भाई डिनर ऑर्डर करते हैं, तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ एक मशरूम और एक मैंने कर दिया फ्रूट प्लेटर. भाई यार लग चुके हैं, खाने वाले का फोन आया कि सर 1.5 घंटा लगेगा खाना भेजने में आपका, तो इन्होंने कुछ भेजा है यही खाते हैं अभी. फाइनली हमारा खाना आ चुका है. सो फाइनली नेक्स्ट दिन सुबह 11 बजे हम लोग निकल गए कोनार्ड के लिए जो कि लास्ट इवनिंग एशिया मॉल गए थे उसके पास ही है. वहाँ पे हमारा इंटरव्यू था क्रिस और सैम के साथ. So this is the lady who's coordinating with everyone. इंटरव्यू जो हो रहा है बगल वाले रूम में हो रहा है, तो शी इज लाइक कि हाँ आपका नेक्स्ट आने वाला आप रेडियो की नहीं रेडी है, अपने को टेंशन ही नहीं है. इंटरव्यू के बाद अपना एक स्टंट वर्कशॉप है कि जो मूवी में थोड़े स्टंट्स है, एक वर्कशॉप है कि हाँ आप भी करके देख लो. एंड पीछे बुफे लगा हुआ है, कॉफी वॉफी है, सब कुछ आप खा सकते हैं यहाँ पे. चिल्ड आउट है और मतलब ईजी गोइंग है. You have to look a certain way. It wasn't about looks as much as it was about functionality. We decided, we're like, no shirtless scenes. I'm bigger in this film because I'd just come off Thor. Yeah. So I was thicker and less functional than the first film. And so a lot of the work I did, you know, even sort of during the film, was about flexibility, functionality. I love your voice. It goes so perfectly with your role and your physique and everything. Do you train for your voice or how do you get this perfect voice? Just get my punch. No, but did you like through the course of your career, did you do voice training? Yeah, I mean, for different roles have different. But that's an actor who really deeply understands his craft, and that's one thing I didn't know, so now you guys know that. Back to my room. Stunt workshop ek ho rahi thi जो मैं नहीं कर पाया बिकॉज अभी टाइम नहीं है मेरे को. देखो दोबारा छोड़ देंगे. स्टंट वर्कशॉप भाई नहीं कर पाया क्योंकि अभी निकलना है, मतलब मंजिला में कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं, बस वही काम किया और निकल रहे अभी. और ये होटल भी इंजॉय नहीं किया, ये होटल बहुत मस्त है वैसे यार. आज सुबह से बारिश हो रही मनीला में, तो मैं क्या करता ये होटल सही में मस्त है. ये पूरा जो गोल देख रहे ना पूरा कनेक्टेड होटल से, दिस इज ऑलमोस्ट जहाँ हम लोग गए थे ना रात को
ये पूरी एक अंदर स्ट्रीट बनी हुई है और यहाँ पे सारे मतलब ईटरी जॉइंट्स हैं, दुकानें हैं, सब कुछ है। सो होटल बिल्डिंग ये वाली है यहाँ से, एंड देन दिस इंटायर थिंग, और सबके लिए ओपन है, ये नहीं कि सिर्फ होटल के लिए। एंड हेयर यस्टरडे यहाँ पे, और कसिनो भाई पूरे में, मतलब पूरे में तो नहीं, वहाँ तक गई नहीं, बट इतने में तो पूरे में कसिनो ही है भाई। टाइम टू लीव, एक कॉफी बना ली है, फटाफट कॉफी सिप करते हैं, एक्चुअली टाइम ही नहीं इसको पीने का, बस रूम को बाय बोलते हैं। रूम बाय बाय, बहुत मजा लगा मुझे यार, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अमेजिंग लगा। एंड स्पेशली टू यू, खड़े हो जाए बजा दे आते, तू चैंपियन है भाई, याद रखियो तू जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ेगा, सुन ली। अरे थैंक यू मेरे भाई, मैं पता नहीं आज क्या कर रहा हूँ, दूसरी बार मैंने कैची खोली है। कॉफी देख सी भाई लेते हैं, लास्ट मिनट चेक्स, ओए खुल जा, हमने बंद है। इतने ड्रॉर दे रखे हैं इस घर में, चेक ही नहीं कर सकते। हाँ ये एक और वॉशरूम है जो अगर आप यूज कर सकते हैं। अब क्या दिखा रहा हूँ, तो निकलने का टाइम है।